आ गए, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत। यही लड़ाई थी मेरे ख्याल से, एसेंशियल है या नहीं है। हाई कोर्ट ने कहा एसेंशियल नहीं है जी, बिल्कुल। और ऐसी कई सारी कोर्ट्स की, हाई कोर्ट्स की रूलिंग रही थी जिसमें बॉम्बे, केरला और मद्रास हाई कोर्ट की रूलिंग थी जिसमें सिमिलर हमने जजमेंट्स देखे थे जिसमें कहा गया था कि हिजाब इज नॉट एसेंशियल टू इस्लाम। और जो एक बार फिर से कर्नाटका हाई कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि ये एसेंशियल प्रैक्टिस नहीं है इस्लाम में। लेकिन सवाल ये उठता है कि इतनी सदियों से महिलाओं को बुरके हिजाब की कैद में रखकर उनको पीछे धकेलने की कोशिश की जाती है, और वो महिलाएं जो खुद अपनी जिंदगी में एक नॉर्मल लाइफ में एक मॉडर्न लाइफ लीड करती हैं, और टीवी पे आकर वो उन महिलाओं को जो आज भी जिनको घर से बाहर निकलने के लिए, स्कूल जाने के लिए सामाजिक जो दंश है वो झेलना पड़ता है, वो एजेंडा और प्रोपेगेंडा चलाते हैं। तो उन महिलाओं को ये सोचना चाहिए कि हम महिलाओं के साथ खड़े हैं, या आज भी उन महिलाओं के लिए हम बड़ी दीवारें खड़ा कर रहे हैं कि ताकि वो मुख्य धारा से जुड़ सके। और ये पूरा प्रोपेगेंडा है कि मुस्लिम महिलाओं को एजुकेशन से दूर रखा जा सके ताकि इनकी वोट बैंक पॉलिटिक्स है वो एज इट इज कंटिन्यू रहे। अगर मुसलमान पढ़ लिख जाएगा, महिलाएं पढ़ लिख जाएंगी, समझदार हो जाएंगी, तो इनकी वोट बैंक कहां से इकट्ठी होगी। और यही रीजन है कि इनकी जैसी पार्टीज को नोटा से भी कम वोट मिलते हैं। उत्तर प्रदेश की जनता ने इनकी राजनीति को पूरी तरीके से नकार दिया है। इनको समझना होगा कि वो भारत नहीं जो पहले हुआ करता था। आज भारत का मुसलमान, भारत का हर समाज और हर वर्ग से आने वाला इंसान अपने अधिकार और अपनी सहूलियत की डिमांड करता है सरकार से। और जो पॉलिटिकल पार्टी इस बात को समझती है वही आगे इस देश के विकास मौलाना अली कादरी, उसके बाद शहजाद आपके पास लोगों को नकार चुकी है जनता।